हेलो एवरीवन, मैं रमेश शर्मा एचआर रियल्टर से। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, और सबसे पहले थैंक्स उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने हमारी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और कमेंट्स किए। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो मैं आपको विला दिखाने जा रहा हूँ, ये 200 गज में बना हुआ 4 बेडरूम विला है, और इसकी जो लोकेशन है वो है सेक्टर 125 मोहाली न्यू सनी एनक्लेव, जो कि चंडीगढ़ से मात्र 15 मिनट की दूरी पे है। तो आइए आपको अंदर से दिखाता हूँ मैं 200 गज का विला। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंटर करते ही आपका पार्किंग एरिया आ जाता है, और इस पार्किंग एरिया में आप 2 गाड़ियाँ इजिली पार्क कर सकते हैं। और आपके फ्रंट यार्ड के साथ ही आपको ग्रीन एरिया दिया गया है, जिसमें कि आप अपनी सिटिंग का एरिया भी बना सकते हैं। इसको ये आपकी विला की एंट्रेंस रहेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छा वुडन का वर्क किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती और बढ़ा देता है। तो आइए आपको ले चलता हूं विला के अंदर। जैसे हम विला में एंटर करते हैं, इसके राइट हैंड साइड में आपका ड्राइंग एरिया आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है, और इसमें हमने फॉल सीलिंग में वुडन का वर्क कराया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें वॉलपेपर लगा हुआ है। और इसी के साथ ये वुडन के कैबिनेट्स भी आपको मिल जाते हैं। और ये आपका डाइनिंग एरिया रहेगा, और डाइनिंग एरिया में आप देख सकते हैं जो इसकी फॉल सीलिंग है उसमें भी वुडन का काफी खूबसूरत वर्क कराया गया है। और डाइनिंग एरिया की बैक साइड पे आपको ये वुडन का पूरा कैबिनेट मिल जाता है, जिसमें कि आपका एक छोटा वॉशिंग एरिया दिया गया है, और इसी के साथ ये आपका किचन है जो कि फुल्ली मॉड्यूलर है। इसमें आपको चिमनी मिल जाती है, और इसकी फॉल सीलिंग में भी आपको वुडन का वर्क मिलेगा। इसमें कैबिनेट्स जो भी है वो सब सॉफ्ट क्लोजर के साथ आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन काफी खूबसूरत लग रहा है। अब आपको ले चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। यह आपका फर्स्ट बेडरूम है, इसमें जो अलमीरा है वो आपको स्लाइडिंग मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये दोनों साइड से ही ओपन होती हैं। ये वॉलपेपर रहेगा, और ये आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है जो कि रूम के बाहर दिया गया है, और ये आपका वॉशरूम। इवन हमने वॉशरूम की फॉल सीलिंग में भी वुडन का वर्क कराया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। और ये हमने आपकी टीवी फिटिंग्स के लिए कैबिनेट बनाए हैं, ये भी वुडन के हैं। और इसी रूम से आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी बैकयार्ड की तरफ, और ये आपका वॉशिंग एरिया रहेगा बैकयार्ड में। अब आपको ले चलता हूं मैं सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड बेडरूम है,
और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी अलमीरा स्लाइडिंग है और दोनों साइड से ही ओपन होती हैं, बट इसमें डिज़ाइन थोड़ा हमने चेंज कर दिया है और कलर कॉम्बिनेशन भी इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। ये इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है। और दूसरे बेडरूम की तरह ही इसमें हमने टीवी के लिए आपको कैबिनेट दिया है और इस बेडरूम से भी आपके बैकयार्ड की एंट्री हो जाती है। अब मैं आपको ले चलता हूं तीसरे बेडरूम की तरफ। ये स्टेयर्स ऊपर जाती हैं जहां की हमारा थर्ड और फोर्थ बेडरूम है। इसमें नेचुरल लाइट के लिए हमने प्रोविजन दिया हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेयर्स के पास भी हमने काफी खूबसूरत वुडन वर्क किया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो आइए ले चलता हूं आपको तीसरे बेडरूम की तरफ। ये आपका थर्ड बेडरूम है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें वॉलपेपर और जो फॉल सीलिंग है उसका डिजाइन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है बाकी बेडरूम की जगह। और ये आपकी बालकनी से भी अटैच है, फ्रंट बालकनी से। और जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमने ड्रेसिंग एरिया सेपरेट दे दिया है। और उसी जगह हमने इसके अलमीरा भी लगाए हैं और इसी के साथ इसका वॉशरूम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रूम बालकनी से अटैच है। जैसे आप बेडरूम से बाहर आते हैं एक छोटा सा आपको लॉबी एरिया मिल जाता है और इसमें भी सेम फॉल सीलिंग में वुडन का वर्क है। और इसी के साथ आपको एक स्टोर रूम प्रोवाइड किया गया है जिसमें आप अपने कुछ सामान रख सकते हैं। और इसी के साथ आपको पूजा रूम दिया गया है। एंड ये है हमारा लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम। आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है और बेडरूम की तरह ही इसमें भी फॉल सीलिंग में वुडन का वर्क कराया गया है। इसमें जो अलमीरा से वो स्लाइडिंग ना है। और ये आपका वॉशरूम आ जाता है फोर्थ बेडरूम का। और इस बेडरूम में भी और बेडरूम की तरह टीवी के लिए आपको सेपरेट कैबिनेट दिए गए हैं। और फोर्थ बेडरूम के साथ ही आपका डोर है जो कि आपके रूफ को जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहां भी काफी ओपन एरिया मिल जाता है जिससे कि नेचुरल सनलाइट या वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है।